Tomorrow you are having your second revision test of physics. Syllabus is refraction and lenses. Mirrors का हो चुका है, reflection का हो गया, उसके बाद का जितना भी portion है वो कल आपका test है at 2 o'clock, right? अब हम करते हैं practice इसी chapter की, एक ही chapter है तो उसी में से सारा paper आना है आपको. Case study, assertion, reason and MCQ type. And let us start with case study and assertion, reason type questions practice. तो लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सुन लो. फर्स्ट क्वेश्चन सुन लो. तन्मय वेंट टू अ डेंटिस्ट फॉर रेगुलर क्लीनिंग वेयर ही ऑब्जर्व्स दैट द डेंटिस्ट यूजेस अ स्मॉल हैंड हेल्ड मिरर टू एग्जामिन हिज टीथ एंड गम्स from a variety of angles. He finds out that the mirror gives a magnified reflection of the mouth, which is easier for dentist to see. He decided to make a dentist mirror. He bought three mirrors, M1, M2 and M3, out of which M1 was curved inwards, M2 was curved outwards and M3 shows lateral inversion. Read the following passage and answer the questions. First है, based on above paragraph, what kind of mirrors would convey need to make the dentist mirror? Plane, concave, convex, acoustic mirror. Concave mirror. He needs concave mirror. Acoustic mirror a fourth. अकॉस्टिक मिरर होते हैं साउंड से रिलेटेड जो होते हैं, जो सर्फेसेस साउंड को रिफ्लेक्ट करते हैं उनको अकॉस्टिक मिरर्स कहते हैं. साउंड भी तो रिफ्लेक्ट होती है लाइट की तरह. सेकंड है, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर, ऑप्शंस आर M1 ओनली, M2 ओनली, M3 ओनली या M1, M2 एंड M3 ऑल. ऑल फॉर ऑल द मिरर्स. क्वेश्चन है, a full length image of a distant tall building can definitely seen by Tanmay using mirror M1, mirror M2, mirror M3, both M1 and M3. M1 कौन सा था, जिस जो curved inwards था. M2 was curved outwards and M3 showed lateral inversion. तो इसका मतलब M1 कौन सा था, concave. M2 था convex. Curved inwards जो है वो concave है, जो कर्व्ड आउटवर्ड्स है वो कन्वेक्स है, और जो लेटरल इन्वर्जन शो कर रहा है वो प्लेन है. तो वो कह रहे हैं कि फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन बी सीन थ्रू विच मिरर आउट ऑफ दीज. M3 प्लेन मिरर है वहां से. नो, इसका आंसर है कन्वेक्स मिरर M2. ये नोट करिए, क्योंकि कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स डिमिनिश्ड इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये डिमिनिश्ड इमेज बनाता ना, छोटी छोटी इमेज. हमने कहा तो ये विजिलेंस मिरर है, दिस इज सिक्योरिटी मिरर, तो इसीलिए ये पूरी पूरा व्यू कवर कर लेता है. तो एक टॉल डिस्टेंट बिल्डिंग है, प्लेन मिरर में नहीं नजर आएगी वो. प्लेन मिरर में तो सेम साइज की नजर आएगी, आप बिल्डिंग जितना प्लेन मिरर लोगे. तो कन्वेक्स मिरर में दिखेगा ये. यहाँ पे मिस इंटरप्रिटेशन मत करना आप, ये नोट कर लीजिए, कन्वेक्स मिरर में फुल इमेज दिखेगी एक टॉल डिस्टेंट बिल्डिंग की, प्लेन मिरर में नहीं दिखेगी. फोर्थ क्वेश्चन, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर M3 इज ऑलवेज, ऑप्शंस आर लेस देन वन, मोर देन वन, इक्वल टू वन, मोर और लेस देन वन. इक्वल टू वन. M3 हमारा प्लेन मिरर है, सो इक्वल टू वन, इट्स मैग्निफिकेशन इज प्लस वन. फिफ्थ क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कैन M1 फॉर्म एन इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट. प्लेन मिरर किस कंडीशन में लार्जर इमेज बना सकता है, सुनो ध्यान से. इंटरेस्टिंग. ए पार्ट है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कंकेव मिरर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेकेंड है, डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर. सी है, एट डिस्टेंस लेस देन फोकल लेंथ. एंड डी है, ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर.
कहां पे है कि ये लार्जर इमेज बनाएगी इक्वल टू नो वो तो सेम साइज की होगी लार्जर कौन सी ऑप्शन है ए पार्ट है इसका बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बियॉन्ड सी बनेगी ना और मैग्निफाइड बनेगी बियॉन्ड सी बनेगी वो तभी बनेगी बिटवीन एफ एंड सी के लिए तो ए पार्ट है इसका आंसर बिटवीन एफ एंड सी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन केस स्टडी सुनो अब ध्यान से द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू टू लॉज विच आर नोन एज द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दीज लॉज आर रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड है इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन ठीक है अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फर्स्ट है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास ए पार्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल और कांट से चलो कौन सी ट्रू है व्हेन रे इज एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास रेयरर टू डेंसर मीडियम गलत ए इज करेक्ट आई ग्रेटर देन आर जब भी रिफ्रैक्शन होगी रेयरर से डेंसर मीडियम ये नॉर्मल की तरफ होगी आई ग्रेटर देन आर होगा आर हमेशा कम हो जाए When it will bend towards the normal on entering a denser medium, I R से बड़ा होगा R कम हो जाता है फिर आपका सेकेंड होगा फिर सेकेंड होगा सेकेंड है ये लिखो ये वाला पार्ट लिखो सेकेंड पार्ट न्यूमेरिकल है when light travels from air to a medium when light travels from air to a medium the angle of incidence is 45 degree angle of incidence is 45 degree and angle of refraction is 30 degree angle of refraction is 30 degree the refractive index of second medium with respect to first medium is options are refractive index of second medium with respect to first medium are 1.41 1.5 1.231 a option is correct mu aapka snell's law lagega aur I kitna diya hua hai 45 and this is 30 degree साइन 45 तो ये आपका अंडर रूट 2 1.41 अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41 सो दैट वुड बी द आंसर थर्ड क्वेश्चन है इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम ऑप्शन आर एयर ग्लास वाटर डायमंड डायमंड में लाइट की स्पीड मिनिमम है कि मैक्सिमम है मिनिमम है क्योंकि इन सब में से सबसे ज्यादा डेंसर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे हाई है 2.4 बाकी सबका 1 point कुछ है इसका सबसे ज्यादा है तो इसमें लाइट सबसे स्लो ट्रेवल करेगी फोर्थ क्वेश्चन है ये भी लिखो न्यूमेरिकल है इसका फोर्थ पार्ट इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड
if the refractive index of glass is 1.5 and speed of light mu kitna diya hua hai 1.5 speed of light in air is you know find speed of light in glass which formula you will be using mu ka refractive index ka formula what is that mu is equal to c by v so just put in the values 2 × 10⁸ क्योंकि 1.5 मतलब 3/2 आपका वो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड तो ये ऑप्शंस थी अब इसका फिफ्थ क्वेश्चन है नोट करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज 2 इसका मतलब यही हुआ सिंबल फॉर्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज 2 फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए तो हम इन्वर्ट कर देते हैं पता है ना फॉर्मूला लिख के करना है इसको तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज 1 ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी सो दैट इज 1/2 उसको उल्टा कर देना ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो शिवानी वॉन्टेड टू स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय स्फेरिकल लेंसेज सो शी बॉट टू लेंसेज एक्स एंड वाई आउट ऑफ विच व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस एक्स द इमेज इज रियल इन्वर्टेड मैग्निफाइड एंड फॉर्मड एट अ ग्रेट डिस्टेंस कौन सा लेंस है ये कन्वेक्स लेंस है ना एक्स लेंस कन्वेक्स हो गया और रियल इन्वर्टेड मैग्निफाइड इमेज बना रहा है तो इसका मतलब मे बी ए बियॉन्ड बिटवीन सी एंड एफ एंड टू एफ होगा बट व्हेन द सेम ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस वाई द इमेज फॉर्म्ड इज रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट मतलब दूसरा भी कन्वेक्स लेंस ही है दूसरा लेंस भी कन्वेक्स ही है पर ये कि जब उसको थोड़ा पास रखा तो सेम साइज की इमेज बन रही है इसका मतलब कि वो सी 2f पे रखा गया है 2f कितना हुआ इसका मतलब 10 सेंटीमीटर तो फोकल लेंथ कितनी हुई उसकी 5 सेंटीमीटर तो y की फोकल लेंथ हमें पता चल गई चलो देखो क्वेश्चंस क्या है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस x उसमें क्या है ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस x इमेज इज रियल इन्वर्टेड मैग्निफाइड एंड फॉर्मड एट अ ग्रेट डिस्टेंस मतलब इंफिनिटी पे बनी है इमेज कहाँ पे बनी है इसका मतलब इंफिनिटी पे बनी है तो उसको फोकस पे रखा गया था दैट मींस सो दैट मींस फोकल लेंथ ऑफ एक्स लेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर सो दे आर आस्किंग व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस एक्स ऑप्शंस आर 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर तो क्या आंसर है 10 सेंटीमीटर एक्स लेंस की फोकल लेंथ 10 हुई समझ नहीं लगा वाई की 5 आई देखो लेंस एक्स है दोनों ही कन्वेक्स लेंस क्योंकि उन्होंने कहा है रियल इमेज बन रही है दोनों अब पहले एक्स लेंस का उन्होंने कहा है कि जब ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे रखते हैं रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज बनती है एट ग्रेट डिस्टेंस मतलब इंफिनिटी पे बनती हमने 10 सेंटीमीटर पे रखा और इमेज बन रही है इंफिनिटी पे तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे रखी हुई है फोकस पे रखी हुई है ना ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसका मतलब फोकस पे है तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इस केस में फोकल लेंथ ही हुई ना तो फोकल लेंथ ऑफ एक्स लेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर एक केस समझ आ गया अब सेकंड केस है वाई के लिए
same object is placed 10 centimeter in front of eye lens, image is real inverted and of same size. अब y lens के लिए क्या है? For lens y, 10 सेंटीमीटर पे सेम साइज की इमेज बनती है. कौन सा केस होता है वो? 2f पे होता है तभी सेम साइज की इमेज बनती है. इसका मतलब इस केस में 2f इज इक्वल टू 10. तो फोकल लेंथ कितनी हो गई? यहां से पता चला. तो दो क्वेश्चन तो आपको यही है कि फोकल लेंथ कितनी है, एक्स की कितनी है, वाई की कितनी है. अभी और भी है. सी थर्ड पार्ट है इसका. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कांट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस? वही है, क्ले, ग्लास, प्लास्टिक, बोथ ए एंड सी. क्ले, बोथ ए एंड सी भी कहा हुआ है, क्ले एंड प्लास्टिक भी कहा हुआ है. क्ले एंड प्लास्टिक भी है कि नहीं है? अकेला क्ले है, क्योंकि प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट है, वो भी हो सकता है, उसका भी लेंस बन सकता है. क्लियर प्लास्टिक लिया जाए, सुपीरियर क्वालिटी का, वो भी लिया जा सकता है. आपको पता है ऑप्टिकल फाइबर बनाने के लिए ग्लास और प्लास्टिक दोनों ही यूज होते हैं. ठीक है, ग्लास एंड प्लास्टिक बोथ आर यूज टू मेक ऑप्टिकल फाइबर. तो अगर ऑप्टिकल फाइबर यूज होते हैं तो लेंस बनाने के लिए भी यूज हो सकते हैं. यस, यू ब्रिंग योर कॉपी. कॉपी लाओ, लाना एक मिनट, कॉपी लेके आना. ही इज वेरी बिजी डूइंग सम वर्क. इधर लाओ, लाओ कार्तिक है, ब्रिंग योर कॉपी. ला रहे हो कॉपी? क्वेश्चन नंबर 4, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस वाई कैन बी. ऑप्शंस आर लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस वाई कैन बी लेस देन वन और मोर देन वन, लेस देन और इक्वल टू वन, लेस देन वन, मोर देन वन और इक्वल टू वन, मोर देन वन और इक्वल टू वन. मतलब y लेंस है, इसकी मैग्निफिकेशन कितनी हो सकती है? क्या इक्वल टू वन, मोर देन वन हो सकती है? देखो कन्वेक्स लेंस है, वो उसकी मैग्निफिकेशन लेस भी हो सकती है, वहां से ग्रेटर भी हो सकती है. तो ये c आएगा, सारा कुछ c आएगा जिसमें तीनों दिया हो, लेस देन, मोर देन और इक्वल टू, सब कुछ हो सकता है कन्वेक्स लेंस. देखो ये लेंस का क्वेश्चन है, हाँ कंपेयर मिरर में जो है. फिफ्थ क्वेश्चन है, तुम बताओगे दक्ष. लेंस एक्स प्रोड्यूसेस अ मैग्निफिकेशन ऑफ +5. द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑप्शंस आर बियॉन्ड 2f1, एट लेस देन f1, बिटवीन f1 एंड 2f1, एट फोकस. कहाँ पे रखा? एट फोकस. नो, मैग्निफिकेशन प्लस का मतलब इमेज का नेचर क्या है? वर्चुअल. वर्चुअल इमेज कब बनती है? जब एट डिस्टेंस लेस देन f1, फोकस से कम डिस्टेंस पे रखेंगे तब बनेगी. बिटवीन f एंड o, तो ये आपका बी पार्ट है इसका आंसर, लेस देन f1. ध्यान से पढ़ो. नेक्स्ट है क्वेश्चन, लिखो आप न्यूमेरिकल. आदित्य एंड हिज फ्रेंड मनोज प्लेस द कैंडल फ्लेम इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस एट वेरियस डिस्टेंसेस फ्रॉम इट एंड ऑब्टेन इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम ऑन अ वाइट स्क्रीन. मतलब वही लेंस रख दिया, कैंडल रख दी, इधर स्क्रीन रख दी. ठीक है, ही नोटेड पोजीशन ऑफ कैंडल, स्क्रीन एंड लेंस एज अंडर. अब उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी वो नोट करो और सॉल्व करना उसके बेसिस पे. न्यूमेरिकल ही है ये.
पोजीशन ऑफ कैंडल 20 सेंटीमीटर, पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस 50 सेंटीमीटर एंड पोजीशन ऑफ स्क्रीन 80 सेंटीमीटर. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड फ्रॉम कन्वेक्स लेंस. डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज क्या, मतलब वी क्या है. ऑप्शंस आर 80, 50, 30 और 60. कैसे? देखो एक मिनट. आपका जो लेंस है उसको यहां रखा गया है 50 पे और स्क्रीन 80 पे, मतलब 30 का हो गया डिस्टेंस. ये स्क्रीन है और कैंडल आपकी 20 पे, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, ऑब्जेक्ट हो गई, ये भी 30 है क्योंकि ये 20 था, ये 50 था, ये 80 था. तो अगर हम लेंस को रेफरेंस ले रहे हैं सेंटर पे, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, इमेज फ्रॉम द लेंस, आपका यू और वी कितना हो गया, यू इज माइनस 30 सेंटीमीटर एंड वी इज प्लस 30 सेंटीमीटर. सो कैन यू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, करो फाइंड. कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, लेंस फॉर्मूला. कार्तिकेय विल टेल मी लेंस फॉर्मूला. देखो गलत हो गया ना, अभी भी गलत है. पहले फॉर्मूला बताओ. 1/f इज 1/v माइनस 1/a, वो फिर आपके साइन गलत आ जाएंगे. उसने बोला था 1/u - 1/v. तुझे सुनता है ना, बता आंसर कितना आ रहा है. चलो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, वो हो गया 30. व्हाट इज द फोकल लेंथ, 15 सेंटीमीटर. कम एंड सॉल्व दिस. चलो थर्ड क्वेश्चन लिखिए इसका. ये ले लो यहाँ पे सॉल्व. Where will the image be formed if he shifts the candle towards the lens at a position of 35 centimeter. Likho next part. Where will the image be formed if he shifts the candle? Where will the image be formed if he shifts the candle towards the lens at a position of 35 centimeter. अब उसने कैंडल को लेंस की तरफ लेके गया है, पोजीशन ऑफ 35 सेंटीमीटर ले गया. पहले 25 पे थी ना, 20 पे थी, अब 35 पे ले गए. 35 और 50 में कितना डिस्टेंस होता है, 15. अब आपका यू कितना हो गया, 15. तो वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड. अब फोकल लेंथ निकल आई है आपकी, वी निकालना है. अब आपको फोकल लेंथ आ गई है प्लस 15. फोकल लेंथ आ गई है प्लस 15 सेंटीमीटर. नाउ अगेन यूज लेंस फॉर्मूला एंड फाइंड वी. चलो करो फाइंड वी. प्लस 15 माइनस 15 जीरो आ जाएगा, 1/f. तो f आ गया इंफिनिटी. तो आपका इमेज बनेगी इंफिनिटी के ऊपर. ये देखो ना, अब उन्होंने कहा है कि पहले ऑब्जेक्ट 20 पे थी, अब वो कहाँ चली गई, 35 पे रख दी. 35 और 50 कितना हो गया, 15 हो गया. लेंस की तरफ ले गए ना वो ऑब्जेक्ट को, 35 पे रख दिया, 20 से उठा. अब इसको 35 पे रख दिया, इधर लेंस की तरफ. यहाँ 20 था ना, तो 35 यहाँ होगा, 50 यहाँ है.
अब यहां से उठा के यहां रख दिया आपने, तो कितना डिस्टेंस है ये हुआ 15, वो आप देख लेना 15 हो गया ना। अब इसका मतलब फोकस पे रख दिया हमने तो इन्फिनिटी पे बन गई। अगर ना भी सॉल्व करते तब भी पता चल जाता कि फोकस पे रख दिया। हाँ ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कुछ समझ नहीं आ रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द बेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इफ आदित्य शिफ्ट्स द कैंडल टुवर्ड्स द लेंस टू 36 सेंटीमीटर। अगर वो 36 सेंटीमीटर शिफ्ट करे तो कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट होगी। ऑप्शंस आर इमेज इज वर्चुअल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, इमेज विल बी वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, इमेज विल बी वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। बी पार्ट आएगा वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। पहले में उन्होंने वर्चुअल को इन्वर्टेड लिख दिया था जो हो नहीं सकता, पहले में उन्होंने वर्चुअल के साथ इन्वर्टेड लिखा, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है। थर्ड में उन्होंने कहा रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, तो वो तो होगा ही नहीं क्योंकि वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। और फोर्थ है रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, वो तो चलो हो गया। वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, वर्चुअल मैग्नीफाइड ही बनती है कन्वेक्स में, दूसरी बन ही नहीं सकती, तो इसलिए हमारा बी पार्ट करेक्ट है वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। ठीक है, क्लियर है। चलो इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले लिख लेते हैं एक बारी, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लिखो, टू लेंसेज वन कनकेव एंड द अदर कन्वेक्स, टू लेंसेज वन कनकेव एंड द अदर कन्वेक्स आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। टू लेंसेज वन कनकेव एंड अदर कॉन्वेक्स आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, वट इज द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, वट इज द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इफ दे हैव सेम फोकल लेंथ, वट इज द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इफ दे हैव सेम फोकल लेंथ। चलो कितना, चलो देख लेते हैं। आपका P इक्वल टू पी वन प्लस पी टू, वन ओवर एफ वन प्लस वन ओवर एफ टू। अब एफ वन अगर कंकेव है तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, और अगर एफ टू जो कन्वेक्स है उसकी फोकल लेंथ प्लस एफ है, तो माइनस वन बाय एफ प्लस वन बाय एफ क्या हो गया, पावर तो जीरो है, टू पी कैसे। और व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, वो भी लिख लो साथ में। Also find focal length of combination, effective focal length. अब effective focal length is 1 by f, power 0 है, तो focal length is infinite. ये ऊपर चला गया, 0 नीचे आ गया ना, 1 over 0 not defined. तो focal length of such a combination will be infinite. Power of combination will be 0. And this is called achromatic combination. Convex or concave lenses in contact having same focal length. इसको हम कहते हैं achromatic doublet, achromatic lens कहते हैं इसको. Just for your information, जैसे आपके syllabus में नहीं आई, achromatic doublet बोलते हैं इसको. Achromatic doublet, doublet मतलब combination of two lenses. तो भी कहते हैं इसको, मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन को जिसमें कन्वेक्स कनकेव ऐसे कनेक्टेड होती, जो सनग्लासेस आप डालते हो उनकी पावर भी जीरो होती है क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसा ही सेटअप होता है। व्हाट इज द पावर ऑफ सनग्लासेस लिख लो, उसका कोई नंबर नहीं होता, नंबर मतलब पावर, पावर नहीं होती।
ठीक है, हम उसको वैसे ही लगाते हैं, ग्लेयर रिड्यूस करने के लिए लगाते हैं। उसमें यूवी फिल्टर होता है जो लाइट को पोलराइज कर देता है, ग्लेयर रिड्यूस कर देता है। वो फिर सन ग्लासेस तो नहीं हुए ना, गॉगल्स हुए, वो तो दूसरे हो गए ना, आपके नंबर वाले स्पेक्टिकल्स हो गए, स्पेक्स हो गई, वो चलो आ सकते हैं ठीक है, पर जो नॉर्मली आप सन ग्लासेस लगाते हो ग्लेयर से बचने के लिए, उसमें पावर जीरो ही होती है।